दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आपको अपने वीडियो को कहाँ से अपलोड करना चाहिए। काफी सारे क्रिएटर अपने वीडियो को गलत तरीके से अपलोड करते हैं जिसके वजह से उनके वीडियो पर व्यूज नहीं आता है। तो आज की इस वीडियो में हम वीडियो अपलोड करने का सही तरीका जानेंगे। तो हमारे पास वीडियो अपलोड करने के 3 ऑप्शन है, पहला यूट्यूब ऐप है, दूसरा क्रोम ब्राउजर है, तीसरा YT स्टूडियो है। तो हमें अपने वीडियो को कहाँ से अपलोड करना चाहिए एंड इस वीडियो में हम कुछ बेसिक सेटिंग एंड कुछ एडवांस सेटिंग ऊपर बात करने वाले हैं। और वीडियो को अनलिस्टेड में अपलोड करें या प्राइवेट अपलोड करें या पब्लिक करके अपलोड करें और वीडियो को शेड्यूल में डाल के अपलोड करें, हम लोग ये अभी जानने वाले हैं। तो अभी तक जो भाई अपने वीडियो को यूट्यूब ऐप या YT स्टूडियो से अपलोड करते थे तो यह बिल्कुल ही गलत तरीका है जिसे मैं खुद ही यूज नहीं करता हूँ। क्योंकि जब आप लोग अपने वीडियो को यूट्यूब ऐप या YT स्टूडियो ऐप से अपलोड करोगे तो आपको कुछ बेसिक सेटिंग ही मिलेंगे जो आप लोग देख सकते हो। यहाँ पर आपको यूट्यूब ऐप के कुछ बेसिक सेटिंग देखने को मिल रहे हैं जब आप लोग अपने वीडियो को अपलोड करोगे। एंड सेकंड, आप लोग जब अपने वीडियो को YT स्टूडियो ऐप से अपलोड करोगे तो बेसिक सेटिंग आपको यही देखने को मिल जाएंगे आपके पेज पे। तो आपको अपने वीडियो को क्रोम ब्राउजर से अपलोड करना है। इसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपको अपने YT स्टूडियो को क्रोम ब्राउजर में डेस्कटॉप मोड में ओपन कर लेना है। एंड आपको जस्ट यहाँ पे ऊपर जाओगे तो यहाँ पे अपलोड वीडियो का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ से आपको अपने वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है जो आपको अपलोड करना है। फिर आपको अपने वीडियो का एक क्लिकी टाइटल लिखना है। अगर आपको अपने वीडियो का क्लिकी टाइटल लिखने नहीं आ रहा है तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, अपने फोन में वीडियो की ऐप को ओपन कर लेना है। अगर आपके फोन में नहीं है तो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो, जैसे मैंने डाउनलोड करके यहाँ पे ओपन कर लिया है। रिसर्च में जाके आपको अपने टाइटल को सर्च करना है। जैसे आप लोग रिसर्च में सर्च करोगे आपको वॉल्यूम एंड कॉम्पिटिशन पता चल जाएगा। आप यहाँ से एक कीवर्ड को उठाओ, अपने वीडियो का टाइटल बना दो जो आपके लिए एक सर्चेबल एंड क्लिकी टाइटल होगा। फिर आपको अपने वीडियो का डिस्क्रिप्शन लिखना है। अगर आपको अपने वीडियो का डिस्क्रिप्शन लिखने नहीं आता है, अगर आपको डिस्क्रिप्शन लिखने नहीं आता है तो इस पर मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना दिया, उसको जाकर आप लोग देख लो जिसमें मैंने सही तरीके से डिस्क्रिप्शन लिखना सिखाया है। तो अगर आपको डिस्क्रिप्शन लिखने नहीं आता है तो आप उस वीडियो को जाकर देख लो कि कैसे डिस्क्रिप्शन को लिखते हैं। तो फिर आते हैं अपने टॉपिक पे। अगर आपको लगता है कि अगर आप लोग अपने वीडियो को क्रोम ब्राउजर से अपलोड करोगे तो ज्यादा व्यू जाएंगे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्रोम से वीडियो अपलोड करने पे हमें व्यूज तो ज्यादा नहीं मिलते बट हमें सबसे ज्यादा सेटिंग मिलते हैं, यानी मोर सेटिंग का ऑप्शन मिलता है जिसमें से एक है पब्लिक सब्सक्रिप्शन फीड एंड नोटिफाई सब्सक्राइबर। अगर आपके YT स्टूडियो में यह ऑप्शन नहीं है तो अभी जाके ऑन कर लो। अगर आपके वीडियो में ऑफ होगा तो आपके सब्सक्राइबर के पास आपके वीडियो का नोटिफिकेशन ही नहीं जाएगा, तो इसे अभी जाकर ऑन कर लो। अब आते हैं कि अपने वीडियो को अपलोड करते समय इन चारों में से किस में रखकर अपने वीडियो को अपलोड करें तो इसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। उससे पहले हम लोग बात करेंगे कैटेगरी के ऊपर। तो अगर आपको लगता है कि अगर आप लोग अपने वीडियो का कैटेगरी गलत सिलेक्ट करते हो, अपने चैनल का कैटेगरी गलत सिलेक्ट करते हो तो आपके वीडियो पर व्यूज नहीं आएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप लोग अपने चैनल के अपने वीडियो की गलत कैटेगरी सिलेक्ट करते हो तो आपके व्यूज पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली, यानी आपका व्यूज कम तो नहीं होने वाला है। क्योंकि YouTube का जो एल्गोरिथम है बहुत ही ज्यादा एडवांस हो गया है। आप जब अपने वीडियो को अपलोड करोगे तो YouTube का एल्गोरिथम आपके वीडियो को पकड़ लेगा कि आपके वीडियो किस कैटेगरी में है एंड आपके वीडियो को सही ऑडियंस पर भेजना शुरू कर देगा। पर YT स्टूडियो में कैटेगरी का ऑप्शन है और कैटेगरी तब से बिलोंग करता है जब तक YouTube का एल्गोरिथम नहीं था, यानी YouTube का एल्गोरिथम से बहुत पहले से कैटेगरी है तो कैटेगरी छोड़ तो नहीं सकते। तो अपने नीच के अनुसार आप लोग अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेना। अगर आपको भी किसी भी बड़े क्रिएटर की कैटेगरी जानना है कि वो भाई किस कैटेगरी में अपने वीडियो को अपलोड करते हैं तो इस पर मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, अगर चाहो तो आप जाके उसको देख सकते हो, कमेंट पिन उसका लिंक मैंने दे दिया है। तो अब आपको इन चारों में से कोई एक तो सिलेक्ट करके अपने वीडियो को अपलोड करना है, तो उससे पहले इन चारों के बारे में एक एक करके जान लो। तो सबसे पहले प्राइवेट, अगर आप लोग अपने वीडियो को प्राइवेट करके अपलोड करते हो तो आपके वीडियो को बस आप लोग देख पाओगे, आपके अलावा आपके वीडियो को कोई भी नहीं देख सकता एंड आप उस वीडियो का लिंक किसी अदर पर्सन को शेयर भी नहीं कर पाओगे। ठीक इसके अलावा पब्लिक होता है, अगर आप अपने वीडियो को पब्लिक करके अपलोड करते हो तो आपके वीडियो को सब कोई देख सकता है। इसके बाद अनलिस्टेड, जब आप लोग अपने वीडियो को अनलिस्टेड करके अपलोड करोगे तो अपने वीडियो का लिंक शेयर कर पाओगे एंड आप लोग अपने वीडियो में कमेंट करके कमेंट पिन कर पाओगे। एंड कहा जाता है कि जब आप अपने वीडियो को अनलिस्टेड में अपलोड करते हो तो YouTube का जो एल्गोरिथम है वो आपके वीडियो को अच्छे से समझ पाता है, यानी समझने में उसे आसानी होती है जब आप लोग अपने वीडियो को अनलिस्टेड में अपलोड करते हो। तो आपको अपने वीडियो को अनलिस्टेड में अपलोड करना चाहिए। तो आप लोग अपने वीडियो को जब अनलिस्टेड में अपलोड कर दोगे तो उसे पब्लिक तो करना पड़ेगा। तो क्या हम अपने वीडियो को डायरेक्ट पब्लिक कर दे? तो हाँ, आप लोग कर सकते हो डायरेक्ट पब्लिक। तो भाई यह शेड्यूल का क्या प्रॉब्लम है? तो यह भाई उनके लिए बनाया गया है जिनके पास टाइम ही नहीं है। आपने
काफी सारे क्रिएटर को देखा होगा जो बोलते हैं कि मेरी वीडियो शाम 4 बजे आने वाली है, तो वह 4 बजे तक तो बैठे नहीं रहेंगे, जैसे 4 बजे का अपने वीडियो को हम पब्लिक करेंगे तो वो अपने वीडियो को पब्लिक करने के लिए अपने वीडियो को शेड्यूल में डालते हैं एंड उनकी वीडियो 4 बजे तक पब्लिक हो जाती है। आपको यह वीडियो कैसा लगा, 1 मिनट का टाइम निकालो, हमें कमेंट बताओ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, उसके लिए वंदे मातरम।